हम अक्सर सुनते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने वियतनाम बॉर्डर पर हमला किया, लेकिन वियतनाम का मसला आखिर था क्या और वहाँ इतनी लंबी जंग आखिर क्यों छेड़ी गई? आइए देखते हैं। तो ये कहानी असल में 1955 से शुरू होती है, जब ये सारा इलाका यानी आज का वियतनाम, कंबोडिया और लाओस एक ही इलाका कहलाता था जिस पर फ्रांस का कब्जा था और इसको फ्रेंच इंडो चाइना कहते थे। जब पूरी दुनिया बरतानवी और फ्रांसीसी कब्जे से आज़ाद हुई तो वियतनाम ने भी अपनी आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक की क़यादत एक ऐसा शख्स कर रहा था जो ख़ानदानी तौर पर काफ़ी गरीब था और फ्रांस में एक बावर्ची का काम भी कर चुका था। ये था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह की क़यादत में वियतनाम में तहरीक आज़ादी ने 1954 में बहुत ज़ोर पकड़ लिया था। इस सिलसिले में आज़ादी की आखिरी लड़ाई डेन बियन फो में लड़ी गई। यहाँ पर फ्रांसीसियों को ये गरूर था कि थोड़े बहुत किसान हैं जिनके पास पूरा असला भी नहीं, तो ये उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। फ्रांस के पास जदीद तरीन असला और अमरीकी फिजाई मदद भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहानी में एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये कि रूस और चाइना इन किसानों को यानी कि वियतनामियों को जदीद हथियार सप्लाई कर रहे थे। फ्रांस की अफौज जिनको इस वक्त अमेरिका और CIA की मदद हासिल थी, उन्होंने जब ये हालात देखे तो इनके हौसले पस्त होना शुरू हो गए। बहरहाल डेन बियन फू पर वियतनामियों का कब्जा हो गया और इस तरह शुमाली वियतनाम 1954 में आज़ाद हो गया। लेकिन जनूबी वियतनाम अब भी फ्रांस और अमेरिका के कंट्रोल में ही था, बिल्कुल शुमाली और जनूबी कोरिया की तरह। बालाखिर इस सब के दरमियान शुमाली वियतनाम 1964 तक आज़ाद ही रहा, लेकिन जल्द ही कम्युनिस्ट शुमाली वियतनाम की ताकत देखते हुए अमेरिका ने वियतनाम फौज भेजने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह अमेरिकी सदर जॉनसन ने यह बताई कि वियतनामियों ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, जबकि ऐसा हमला तो कभी हुआ ही नहीं था। बहरहाल अमेरिकी फौज के वियतनाम दाखिले के बाद एक खूनी जंग का आगाज हो गया। तो अमेरिका में उस वक्त लाजमी फौजी सर्विस का कानून नाफिज था, लिहाजा हर नौजवान को फौजी सर्विस लाजमन मुकम्मल करना पड़ती। तो इस तरह अमेरिका ने तकरीबन 25 लाख फौजी थोड़े थोड़े करके वियतनाम में उतारे। लेकिन वियतनाम का जोग्राफिया कोरिया वाला या आज के इराक और अफगानिस्तान वाला बिल्कुल नहीं था। वो पूरा इलाका तो दरअसल एक जंगल था, लिहाजा वियतनामी गोरिलों के लिए अमरीकियों पर हमला करना और वहाँ से जंगलों में भाग जाना बहुत ही आसान था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपना रास्ता बनाने के लिए वहाँ कई सुरंगें भी बना रखी थीं जिनमें वो आराम से कई कई दिन रह भी सकते थे और शुमाली वियतनाम से जनूबी वियतनाम आ जा भी सकते थे। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी फिजाइया भी जंगलों की वजह से किसी काम की ना रही थी और यूँ एक के बाद एक सारे हरबे नाकाम होते जा रहे थे। इसका असर अब अमेरिका में दिखने लगा, जहां जंग के मुखालिफ एहतजाज रोज़ बरोज़ जोर पकड़ने लगा और बहरहाल आखिर में अमेरिका ने चीन और रूस से, जो कि वियतनामियों के खुफिया असला सप्लायर थे, मुज़ाकरात शुरू कर दिए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये फैसला किया गया कि अमेरिका बहुत जल्द वियतनाम से निकल जाएगा, और हुआ भी बालाखिर यही। एक रोज़ अखबार में खबर आई कि शुमाली वियतनाम ने जनूबी पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है और जनूबी वियतनाम के दारुल हुकूमत सैगोन ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं। ये शिकस्त अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त थी। इसके नतीजे में अमेरिका के 58,000 फौजी मारे गए और इतने ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाने के बावजूद भी अमेरिका को इस जंग का कोई भी फ़ायदा ना मिल सका। बहरहाल आखिर हुआ यही कि वियतनाम में भी पूरी दुनिया की तरह कम्युनिज्म का खात्मा हो गया और आज अमेरिका और वियतनाम में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात की बुनियादी वजह तो यह है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन का रसूख कम करने के लिए वियतनाम को सपोर्ट करता आया है और इसी वजह से ये ताल्लुक आज भी कायम है और बहुत ही बेहतरीन भी है। आपकी इस मामले में क्या राय है? कम्युनिज्म के खात्मे के अलावा आखिर अमेरिका को वियतनाम से क्या फ़ायदा मिल सकता था जिसके तहत उसने इतनी लंबी जंग छेड़ी
और इतना ही नहीं, अपने 58,000 फौजी भी गवाए और कई अरब डॉलर का नुकसान भी करवाया। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।